छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने को लेकर महाराष्ट्र में सियासी संग्राम थमता नजर नहीं आ रहा है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे आज जब मालवण पहुंचे तो उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। उद्धव ठाकरे समर्थक और नारायण राणे समर्थक आमने सामने आ गया। हालांकि पुलिस ने तुरंत दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहां अलग अलग किया। आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि बीजेपी के करप्शन की वजह से शिवाजी की प्रतिमा टूटी है। तो नारायण राणे के समर्थक और उद्धव ठाकरे गुट के समर्थक, ये दोनों आज आमने सामने आ गए। जब आदित्य ठाकरे मालवण पहुंचे थे उसी दौरान ये विरोध नारायण राणे के समर्थक करने लगे। ये देखिए हंगामे की तस्वीर। शिवाजी की जो प्रतिमा टूटी है उसको लेकर के महाराष्ट्र में सियासत हाई है। उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट के नेता का कहना है कि करप्शन की वजह से ये प्रतिमा यहां पर टूटी है। हालांकि इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। इसमें ठेकेदार के साथ साथ जिस कंपनी ने निर्माण किया था प्रतिमा का, उसके खिलाफ भी इसमें FIR दर्ज की गई है। सरकार का कहना है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि ये सीधे करप्शन का मामला दिख रहा है और इसी को लेकर के उद्धव ठाकरे गुट बीजेपी को लगातार घेर रहा है। और आज जब यहाँ पर आदित्य ठाकरे पहुंचे तो वहां पर नारायण राणे के समर्थक भी आ गए और उसके बाद दोनों समर्थक जब आमने सामने आ गए तो वहां पर देखिए हंगामे की तस्वीर। दुख तो है, दिल टूट गया है। आज देख रहे हो आप, भाजपा के भ्रष्टाचार के कारण ये पुतला टूट गया है। मोदी साहब को जल्द जल्दबाजी में उद्घाटन करना था, अनावरण करना था चुनाव के पहले, इसलिए ये पुतला टूट गया आज। किस तरह से मांग करते हैं जो लोग हैं इसमें रिस्पॉन्स? रविंद्र चव्हाण जी इस्तीफा दे, मिंदे खुद इस्तीफा दे, क्योंकि अभी वो नेवी पे ढकेल रहे, ये इनकी देशभक्ति है। जब काम नहीं होता तो नेवी पे ढकेल देते हैं। यहाँ पर आप महामोर्चा निकाल, लिबर्टी 130 साल से खड़ी है, वो तो कितने भी विंड सह लेती है, तो फिर इसका क्या? आप महामोर्चा निकालने के लिए आए थे, महाविकास आघाड़ी के सब नेता आए हैं, लेकिन दूसरी तरफ अलग नजर डरते सिर्फ मुझसे है ये लोग, तो इसलिए मुझे घेर रहे।